जिस मूवी के बारे में बात करूंगा आज, वो मैंने कुछ ही महीने पहले देखी थी और अमेजोन पे इसका आ रहा था मुझे रेकमेंडेशन, तो बहुत उलझन में था, कुछ समझ में नहीं आया मूवी देखूं या ना देखूं। फिर सोचा क्या करना है, क्रिसमस का टाइम है, स्नोफॉल हो रहा है, घर पे बैठे हैं, कोविड का सिचुएशन है, लॉकडाउन लगा हुआ है, देख लेते हैं मूवी। और यकीन मानो जब मैंने देखा ये मूवी दिल खुश हो गया मेरा, इतना जबरदस्त मूवी है कि देखते ही मैंने सभी लोगों को इस मूवी का रिकमेंडेशन देने स्टार्ट कर दिया। एक बेहतरीन मूवी जो पूरे फैमिली के साथ, परिवार के साथ बैठ के आराम से, कॉन्फिडेंटली, कंफर्टेबल होके ये मूवी देख सकते हो और पूरे मजे ले सकते हो। मूवी देखने से पहले मैंने सोचा था यूट्यूब पे जाकर पहले रिव्यू देखूं कि भाई किसी ने रिव्यू किया हो तो मूवी के बारे में कुछ आइडिया मिले, लेकिन एक भी रिव्यू नहीं मिला। तो मेरे ख्याल से मैं ही हूं पहला बंदा हाल ही में जो इस मूवी के बारे में रिव्यू करेगा। अगर आपको किसी और ने किए हुए रिव्यू दिखते हैं तो मेरे कमेंट सेक्शन में बताना। और इस मूवी का भी नाम आपने पहली बार सुना है या फिर आपको भी रिकमेंडेशन आया था और आपने अभी तक हिम्मत नहीं किया ये मूवी देखने का, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे जैसे भी कुछ लोग हैं जो ये मूवी देखना चाहते थे। अगर आपने अभी तक थंबनेल में देखा नहीं या फिर टाइटल में पढ़ा नहीं कि मैं कौन से मूवी के बारे में बात करने वाला हूं, तो अभी देख लो। हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय चैनल। आप सबका मेरे चैनल पे है स्वागत, जहां पे हम यानी कि मैं और मेरा गोस्त बात करेंगे इस मूवी के बारे में। तो बिना आपका वक्त बर्बाद किए शुरुआत करते हैं आज का व्लॉग। अभी क्या ये लोगों को मेरा उम्र भी बताएगा तू? तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि ये मूवीज पुरानी हैं, लेकिन मगर किंतु परंतु ये तीनों पार्ट जब देख के उठोगे तब दिमाग ताजा हो जाएगा। नाम से तो पता ही चल गया होगा कि मैं कौन से मूवी और कौन से टाइप ऑफ मूवी के बारे में बात करने वाला हूँ। अगर आपको कुदरत, वन्य जीवन या फिर जंगली जानवर देखने में इंटरेस्ट है तो ये मूवी एडवेंचर ड्रामा आपको 110 पसंद आएगा। ये व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं इस व्लॉग के अंदर तीनों पार्ट कवर करूंगा। आपको स्टोरी देखकर एक थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा कि तीनों मूवीज में क्या क्या हो रही है, क्या नहीं हो रही है, ताकि आप जब देखने के लिए बैठो तो आप सीक्वेंस में देखो 1 2 3। ऐसा ना हो कि आप पार्ट 2 देख लिए, पार्ट 1 बाद में, या पार्ट 3 बाद में देख लिया, या फिर पार्ट 3 पहले देख लिया, या फिर पार्ट 1 बाद में देख लिया। ऐसे करोगे तो मूवी का थोड़ा लिंक नहीं लगेगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा। इसलिए ये व्लॉग में मैं तीनों मूवीज के पार्ट बैक टू बैक कवर करूंगा। तो चलो बात करते हैं स्टोरी के बारे में। तो व्लॉग ज्यादा ही लंबा ना हो इसलिए मैं तीनों पार्ट के आपको थोड़े थोड़े स्टोरी कंसेप्ट बताते जाऊंगा। और यकीन मानो स्टोरी इतने सिंपल है, और तब के जमाने में मूवी सिंपल ही बनाया करते थे, ऐसे नहीं कि चार कहानी एक ही मूवी में अगल बगल से दौड़ रही और इंसान देखते ही कंफ्यूज हो रहा है किसका क्या और कहां पे क्या चल रहा है। एग्जैक्टली, तो द एडवेंचर्स ऑफ वेल्डरनेस फैमिली पार्ट 1 डायरेक्ट किया था स्टीवर्ट रैफल्स ने। जैसे मैंने पहले कहा था स्टोरी बहुत सिंपल होगी। तो स्किप रॉबिन्सन, रॉबर्ट लोगन लॉस एंजल्स की कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते हैं, जो हमेशा अपनी बेटी की तबीयत के बारे में सोच के थोड़ा परेशान रहता है, क्योंकि उसकी बेटी को कुछ लंग एलर्जीज की वजह से बीमार रहती है। उसके वैक्सीनेशंस गए एक साल से चालू है लेकिन कुछ खास असर नहीं कर रहा है, बल्कि और बिगड़ रहा है। अब ये कोरोना के वैक्सीनेशंस हम लोगों पे ऊपर कैसे काम करेगी हमें नहीं पता, कोई गारंटी नहीं। लेकिन हाँ, मैंने सुना है जो 60 के ऊपर है उनके लिए वैक्सीनेशंस अभी लॉट चालू हो गया है, तो ले लो। डॉक्टर ने कहा है शायद पानी या हवा या फिर इस वजह से हो रहा होगा। बस मूवी के शुरुआत में ही बता दिया है कैसे स्किप अपने जिंदगी से परेशान हो चुका है, सिटी लाइफ से उब चुका है, और कैसे वो अपने बीवी पैट सुजन दमंते को मना लेता है कि वहां से हम निकलेंगे। तो वो, उसकी बीवी, उसकी बड़ी बेटी और छोटा बेटा और उनका एक कुत्ता, ये पांचों सीधा जंगल की तरफ प्रस्थान करते हैं, शहर का सब कुछ बेच बूझ के। स्किप के चाचा का एक छोटा सा घर होता है जंगल में, जिसे ओल्ड मैन जेकब्स प्लेस बोलते हैं, जिसने माइनिंग क्लेम के लिए ये घर लिया होता है, लेकिन वो अभी गुजर चुका है तो वो घर और जगह खाली है। अभी इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ बताऊंगा नहीं क्योंकि इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 में ज्यादा डिटेल में बताया नहीं है, तो थोड़ा धीरज रखो, मैं आगे बताऊंगा
होल्ड ऑन टू इट। तो एक बेसिक स्टोरी है कैसे एक फैमिली अपने सिटी लाइफ से निकल के जंगल की तरफ निकल आती है। पार्ट वन में जब वो जंगल में रहने के लिए निकलते हैं तो कैसे जंगल लाइफ को अपनाते हैं, कैसे वो अपना खुद का घर खुद बनाते हैं और कैसे अलग अलग जानवरों से उनका पाला पड़ता है। और इन जनरल ये पहले पार्ट में उन्होंने यही दिखाया है कि कैसे वो जंगल में रहते हैं और किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अभी इस मूवी में सब कुछ एक फैमिली मूवी जैसे कवर करने की कोशिश की है, मतलब मियां बीवी में कुछ कुछ बातों को लेकर झगड़े होते हैं, कैसे बाप अपने बच्चों को जगह जगह पे तालीम देता है। अब इस पार्ट में आप लोगों को समर का टाइम नजर आएगा, मतलब जून और अगस्त का बीच का समय। और थोड़ा इस स्टोरी के अंदर ट्विस्ट लाने के लिए इस पार्ट में उसकी बेटी पड़ जाती है बीमार और बाप को घर से बाहर क्यों निकलना पड़ता है डॉक्टर को बुलाने के लिए, क्या उनके पास फोन या रेडियो नहीं। पार्ट वन में विलन का रोल निभाया है एक भालू ने। हाँ, यहाँ पे कोई इंसान विलन नहीं है, यहाँ पे जानवर ही विलन है, भालू जिसे कहते हैं थ्री टोस। और वहां पे इन पे एक भालू हमला कर देता है, क्यों पड़ जाती है उसकी बेटी बीमार। इन तीनों पार्ट में सेम कास्टिंग, सेम एक्टर, सभी लोग सेम है, सिर्फ डायरेक्टर चेंज होते हैं। तो पार्ट टू डायरेक्ट किया है फ्रैंक जुनिगा ने, लेकिन क्वालिटी, लोकेशन, फैमिली सब कुछ सेम है। तो फैमिली यहाँ पे रहने के लिए कंटिन्यू हो चुकी है, बच्चे बड़े हो गए हैं। अब जैसे कि उन्होंने बेसिक्स तो कवर कर लिया है जंगल में रहने का और सरवाइव करने का, और पार्ट वन में समर था तो इस पार्ट में मेन चीज है सीजन। अब आ रहा है विंटर, तो ये लोग विंटर में कैसे सर्वाइव करेंगे, कैसे वो इतने भयानक ठंडी में जो उन्होंने पहले कभी सिटी में देखा ही नहीं था यहाँ पे कैसे झेल पाएंगे, तो कैसे वो फूड स्टोर करेंगे। और ठीक जैसे पार्ट वन में उनकी बेटी बीमार होती है, पार्ट टू में उनकी माँ बीमार होती है, मतलब पैट। और इस मूवी में भी स्किप डॉक्टर को लेने के लिए बाहर जाता है और इन पे इस बार भालू नहीं तो भेड़िया हमला करता है। और इस मूवी में उनका विलन वापस कोई इंसान नहीं तो इस बार भेड़िया है, जिसे वो स्कार फेस बोलते हैं क्योंकि उसके फेस पे स्कार है। इसलिए तो कहा था ना, बहुत सिंपल और स्ट्रेट स्टोरी है। पार्ट थ्री को डायरेक्ट किया है जॉन कॉटन ने। अभी इसमें स्प्रिंग का सीजन दिखाया है, समर और विंटर का सीजन खत्म हो गया, अभी स्प्रिंग का टाइम, यानी कि स्प्रिंग के टाइम यहाँ पे थोड़ा बारिश होता है और जंगलों में बहुत बारिश होगी। तो अभी इनको समर हो गया, विंटर हो गया, अभी बारिश को झेलना पड़ेगा। अब इस स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि ये जगह ओल्ड जैकब्स प्लेस, मतलब स्किप के चाचा का है जो उसे विरासत में मिला है। और ये क्यों मिला है उसे जगह, ये एक्चुअली गवर्नमेंट का जगह है, लेकिन उसके चाचा ने मैं यहाँ पे माइनिंग करूंगा ऐसा क्लेम देकर, मतलब जो कुछ भी माइनिंग करके जो कुछ भी मिनरल्स निकलेंगे वो मैं गवर्नमेंट को दूंगा, इस क्लेम के अंडर उसने ये जगह लिया था। अभी ट्विस्ट ये है कि एक वन सेवा अधिकारी ने अपने निरीक्षण के वक्त देख लिया है कि यहाँ पे कुछ लोग रहने लगे हैं, तो वो आकर उनकी इंक्वायरी करके गया और उसने जाना कि गए दो साल से इस माइनिंग के जगह से कोई माइनिंग मिनरल्स गवर्नमेंट को मिला ही नहीं। तो ऑफिसर आकर बोलता है, मैं 90 दिन की नोटिस दे रहा हूं, अगर 90 दिन के अंदर गवर्नमेंट को कोई मिनरल्स आपने माइनिंग करके नहीं दिया तो यहाँ का खोली खाली कर जगह खाली करना पड़ेगा। अब ये एक नया समस्या खड़ी हो गई यहाँ पे, तो अभी क्या होगा, क्या वो वहां पे रह पाएंगे या जगह खाली करना पड़ेगा या फिर खोली छोड़ के जाना पड़ेगा। वैसे भी गए दो पार्ट से पैट बोली रही थी कि उसे यहाँ पे रहना ही नहीं है, उसे वापस शहर की तरफ जाना है, तो शायद इस बार ये लोग सच में यहाँ से चले जाएंगे। ये सब समझने के लिए और देखने के लिए आपको ये सारे पार्ट्स देखने होंगे। अभी पिछले दोनों पार्ट में उन्होंने जानवरों को विलन दिखा के हो गया, अभी कोई इंसान भी तो रहे, इसलिए इस पार्ट में ये ऑफिसर ही इनका विलन है। इसलिए मैंने पहले कहा था कि ये जब मूवी देखने बैठोगे तब इसे ऑर्डरली देखना, 1, 2, 3 ऐसे अलग अलग पार्ट्स देखोगे तो इतना मूवी का कुछ इंटरेस्ट नहीं आएगा, देखने के लिए देख लोगे, लेकिन अगर ये मूवी का एक्चुअल में मजा लेना है तो पूरा 1, 2, 3 साथ में देखो। हाँ, ये मूवी जितना आप लोगों को रुलाएगा उससे कहीं ज्यादा हंसाएगा और वाइल्डनेस का एहसास दिलाएगा। आपको इस मूवी के अंदर विभिन्न प्रकार के जानवर देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि बॉबकैट, ईगल, भालू, भेड़िया, हिरन, स्टैग। और इसके अंदर जो कूगर के साथ हीरो लड़ता है वो एक्चुअल का शॉट है, मतलब हीरो ने खुद ये स्टंट किया है और ये करते वक्त उसके गर्दन पे निशान भी लग गया। ओवरऑल मूवी के बारे में बात करें, मतलब पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, अगर ये तीनों पार्ट देखने के लिए बैठे तो 4 घंटे 45 मिनट कैसे जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये मूवी इतना लाइट और ब्राइट है कि आपका मूड ठीक कर देगा। तीनों मूवीज के इंट्रो और म्यूजिक बिल्कुल सेम है, पूरा एनवायरमेंट सेम होगा, सिर्फ घर की थोड़ी बहुत लोकेशन आपको चेंज लगेगी, लेकिन ऑलमोस्ट 99% सब कुछ सेम है। सिर्फ स्टोरी की फॉर्मेट और उसके अंदर कुछ नए नए कैरेक्टर्स और नए नए जानवर देखने के लिए मिलेंगे। मैं कहूंगा मूवी में इतने स्पेसिफिक्स में मत जाओ, बहुत सारे फॉल्ट्स हो सकते हैं इस मूवी के अंदर, जैसे कि वो लोग पैसे कैसे कमाते हैं और सब सामान कैसे खरीद पाते हैं, बच्चों का पढ़ाई-वढ़ाई का क्या, गैस या इलेक्ट्रिसिटी का क्या,
अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं तो रेडियो कैसे चलता है, कभी बैटरी जलते तो दिखाए नहीं। और यकीन मानो इस मूवी में फॉल्ट्स निकलने के लिए जाओगे तो बहुत सारी ढेर सारी फॉल्ट्स मिल सकती है। और ये जो मूवी में दिखाया ये रियलिटी में करना पॉसिबल ही नहीं, मतलब इम्पॉसिबल तो नहीं है लेकिन मगर किंतु परंतु इतना इजीली पॉसिबल नहीं है जितना इन्होंने मूवी के अंदर आसानी से दिखाया। अगर मूवी की रेटिंग के बारे में बात करने के लिए जाऊं तो अकॉर्डिंग टू मोशन पिक्चर एसोसिएशन ऑफ अमेरिका इसे रेट किया है जी, हां जी, मंजे जनरल ऑडियंस, एकदम साफ सुथरा मूवी, कोई भी जाकर ये मूवी देख सकता। अगर मुझसे पूछोगे तो पार्ट वन और पार्ट टू में इतना कुछ नहीं, लेकिन पार्ट थ्री में एक दो या तीन सेकंड के लिए आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करने वाले सीन आ सकते हैं, तो थोड़ा गौर से देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कब क्या होने वाला है। लेकिन बच्चे आपके साथ बिल्कुल अकंपनी करके मूवी देख सकते हैं, बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फीलिंग नहीं आएगी। मैं कहूंगा उल्टा आप सभी लोग साथ में बैठ के देखेंगे तो मजे लोगे इस मूवी का। बस ये मूवी देख के बच्चे ना बोले कि मम्मी अभी मैं भी जा रहा जंगल में, बस ना। और इस मूवी को ये रेटिंग मिलना बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि ये पहले बहुत एक्सपेंसिव मूवी है और वेल्डरनेस बोलने के बाद दिखाया लेकिन सावधानी से, मतलब सिर्फ गोली का आवाज, मरते हुए कोई चीज दिखाया नहीं। और इस पूरे मूवी में बिल्कुल भी हिंसा नहीं, मतलब मारा मारी नहीं, खून खराबा नहीं, गाली गलौज नहीं, कुछ नहीं। एकदम हल्का फुल्का लाइट और ब्राइट मूवी है जो सभी लोगों को आपके घर में पसंद आएगा, इसलिए इसका वक्त निकाल के आराम से बैठ के लुफ्त निकाल के बैठ के एकदम चिल मार के ये मूवी देख सकते हो। चैलेंज है बॉलीवुड को इसका रीमेक सेम ऑडियंस के लिए बना के दिखाए। इंग्लिश मूवी बोलने के बाद लोग सोचते हैं भाई इंग्लिश अपने को समझ में इतना आता नहीं, कुछ ना कुछ वर्ड्स यूज कर लेते हैं और इतना सिंपल होता नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा ये मूवी इतना सिंपल है कि इसके अंदर कोई भी दिमाग को शॉर्ट नहीं होगा। सिर्फ कहूंगा ये जो स्पेशल कैरेक्टर है बूमर, इस च्युइंगम के बारे में आपको पता नहीं तो आप बहुत ही छोटे हो, ये जब भी आएगा तभी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आएगा। ऐसे समझ लो जब भी इस फैमिली के पास कोई बड़े सवाल या फिर खतरे की जानकारी नहीं होती है तो वो सब इसके पास होता है इन्फॉर्मेशन। सभी पार्ट्स में ये आएगा कुछ मिनटों के लिए फिर वापस चले जाएगा, और जब भी आएगा खुशियां लेकर आएगा, और जब भी जाएगा तो गम दे के जाएगा, तभी आपको भी इसकी कमी महसूस होगी। इस तरह ये मूवी की स्टोरी आपको जकड़े रखती है। और इन सारे पार्ट्स में यकीन मानो आप मेरे साथ पूरे सहमत रहोगे, सबसे डेयरिंग वाला बंदा है तो ये कुत्ता, किसी से भी नहीं डरता, मतलब सामने कोई भी हो सबसे भिड़ जाएगा कुत्ता। सोच रहा हूँ कितने कुत्ते बदले होंगे इन मूवी के लिए। इस मूवी में सारे जंगली जानवर असली है और कोई VFX कुछ नहीं, सब असली में है। और दाद देता हूँ उस पूरी टीम की जिसने इतने सफाई से, अच्छे से, अपने एक्सीलेंस से इस मूवी को बनाया। मूवी और सिनेमेटोग्राफी बहुत ही सही तरीके से दिया है और शूट किया है, और जिस हिसाब से कैमरा एंगल सेट किया है इन लोगों ने शूट करते वक्त आउटस्टैंडिंग है। शायद ही आपको लेंस में देखते वक्त बहुत इजी लगता होगा, लेकिन शूट करते वक्त मुझे ही मालूम है और उनको मालूम है कितनी फटी होगी लोगों की। और एक्टिंग की बात करूं तो पता नहीं इतना नेचुरल और ओरिजिनल लगता है कि आपको ये ओरिजिनल फैमिली है ऐसे लगेगा। सभी लोगों ने बहुत ही बैलेंस्ड और खूबी से इमोशनल फैमिली अटैचमेंट इस मूवी के अंदर डाला हुआ है, इसलिए तो ये हल्का फुल्का और एंजॉयबल मूवी है। ये मूवी को कभी भी देख सकते हो भाई, वीकडे में या वीकेंड में। लेकिन अगर मुझसे पूछोगे तो मैं कहूंगा वीकेंड में मस्त काम वाम खत्म करके खाना वाना रात का डिनर खा के बैठ के ये मूवी देखो, मजा आएगा। दोपहर के वक्त या सुबह के वक्त मत देखो, रात के वक्त देखो, ये मूवी आपको बहुत अच्छा फीलिंग देगी। हाँ, अगर आप थोड़े निराश हो या फिर डिप्रेस्ड हो फिर मैं कहूंगा तो 110% ये मूवी देखना ही देखना, आपका मूड एकदम फटाफट ठीक हो जाएगा। पता है मुझे व्लॉग बहुत लंबा हो गया, इसलिए मैं इसे यहीं पे खत्म करूंगा। जैसे मैंने पहले कहा था, अगर इस मूवी के बारे में आपको फर्स्ट टाइम मेरे चैनल से पता चला है तो कमेंट में बताना जरूर, मुझे पढ़ने में मजा आएगा और मुझे पता चलेगा कि लोग हैं जो रेडी हो रहे हैं ऐसे काइंड ऑफ मूवीज देखने के लिए। तो बस इस व्लॉग में इतना ही। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर, और जैसे स्क्रीन पे आ रहा है उस हिसाब से सब्सक्राइब और वो बेल आइकन दबाना मेरे नए व्लॉग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिलने के लिए। और अगर आपने मेरे पुराने मूवीज के व्लॉग देखे नहीं है तो ऊपर आई बटन आ रहा है उसके ऊपर क्लिक कर दो, या फिर एंड स्क्रीन में व्लॉग्स के लिंक आएंगे उसको क्लिक करके वो व्लॉग्स देख सकते हो। खुश रहो, आबाद रहो, अपना और सबका ख्याल रखो, अच्छे मूवीज देख के अपने मन और मस्तिष्क को स्वस्थ रखो। बाय।